हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से आज हम लोग जिस औषधीय वनस्पति की पहचान कर रहे हैं उसका नाम है काश पत्थर फूल, सतारा या फिर पान दुधिया वनस्पति के नाम से इसको हिंदी में जाना जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैरून कैरोलिना मिल्क वाइन या फिर कैरोलिना एंजल पॉड के नाम से इसको इंग्लिश में जाना जाता है, ठीक है मित्रों। और इस वनस्पति का जो बॉटनिकल नेम है वो है मैटेला करोलाइंसिस। और इस औषधि का प्रयोग तकरीबन पंचांग का प्रयोग कर लिया जाता है औषधि प्रयोग के लिए। और इसे में जो प्रमुख रूप से जो रसायन पाए जाते हैं वो है जैसे कि एलर्जिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, कैटचिन नाम के प्रमुख रूप से इसमें पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है मित्रों। तो वो प्रमुख रूप से रसायन पाए जाते हैं और इनकी तकरीबन 200 प्रजातियां हैं। और इनके सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इनमें दुधिया नुमा पदार्थ निकलता है किसी भी पत्तियों को या तना को तोड़ने से, ठीक है मित्रों, इसकी पहली पहचान है। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये इस औषधि का प्रयोग जिन जिन रोगों में किया जाता है वो है जैसे कि चोट मोच दर्द सूजन जैसे संबंधित रोगों में इसका औषधीय प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बवासीर, बवासीर खूनी हो या भगंदर हो, ये दोनों प्रकार से बवासीर रोगों में काम आता है। जो साधारण ज्वर बुखार में भी इसका औषधीय प्रयोग कर लिया जाता है। चर्म रोग संबंधित रोगों में दांत खाज खुजली जैसे रोगों में इसका औषधीय प्रयोग कर लिया जाता है। यूरिन दोष, पेशाब में जलन आना, ब्लड आना, योनि सूजन, इस प्रकार से रोगों में इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। और प्रदर रोग में भी श्वेत प्रदर हो या रक्त प्रदर हो, दोनों प्रदर रोग में इसका औषधि प्रयोग किया जाता है, ठीक है मित्रों। कफ रोग में भी इसका औषधि प्रयोग करते हैं, कफ बलगम जैसे रोगों में भी इसका रामबाण औषधि का काम यह करता है। उसके बाद है आंत कृमि, पेट के जो कीड़ा होते हैं उनके कीड़ा को भी दूर करने में रामबाण औषधि का काम करता है मित्रों। कहीं कहीं है दंत कृमि, दांत के जो कीड़ा होते हैं उनको भी दूर करने में रामबाण औषधि का काम करता है मित्रों। श्वास रोग, अस्थमा जैसे रोगों में भी इसका रामबाण औषधि का प्रयोग लोग करते हैं। तो आज के विषय में मेरा था मित्रों काश पत्थर फूल, सतारा या पांडुधिया के नाम से इस वनस्पति को जाना जाता है। प्रकृति ने हमें बहुत सारे दिव्य वनस्पतियाँ दी हैं जिनकी पहचान न होने की वजह से या उपयोगिता नहीं होने की वजह से अक्सर वो विलुप्त की अवस्था में चले जा रहे हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से बस यही है कि कम से कम वो वनस्पति को कम से कम औषधीय वनस्पति को कम से कम जिंदा रखने की कोशिश किया जाए। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।